हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ पूरे प्रदेश में नई कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं, जिसमें कुल्लू जिला की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके लिए राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पिछले डेढ़ माह से प्रदेश भर में ब्लॉक से राज्य स्तर का पुनर्गठन चल रहा है और कुल्लू जिला में आठवां जिला है जहां पर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू में पुरानी कार्यकारिणी को फिर से जिम्मेवारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन महासंघ लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को निराश किया है। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को JCC की बैठक है, ऐसे में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी होती है तो सरकार का आभार प्रकट किया जाएगा, अन्यथा मांगे पूरी नहीं होने पर 28 नवंबर के निर्णय के बाद शीतकालीन धर्मशाला में रोष रैली में कुल्लू जिला से 5000 से ज्यादा कर्मचारी भाग लेंगे। ठाकुर अध्यक्ष नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश, हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रयासरत हैं और पिछले एक डेढ़ महीने में हमारा जो ब्लॉक से राज्य स्तर तक संगठन का पुनर्गठन का कार्यक्रम चल रहा है, इसी कड़ी में हमारा ये आठवां जिला आज जिला कुल्लू था, जिसका पुनर्गठन पुनः यहाँ हमारी जो पुरानी कार्यकारिणी है वही चुनकर आई है और विनोद डोगरा जी इसके पुनः अध्यक्ष और मैडम निशा जी महिला विंग के अध्यक्ष बनी हैं, जिसके लिए मैं पूरी कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ। और हमारी एक रणनीति जो हमने पहले से ही हमारी बैठक में हमने जो है हमारी एक निर्णय हुआ है, जिसमें कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने JCC की एक बैठक 27 तक जो है निर्धारित की है, 27 तारीख को भी अगर पूर्व की भांति जैसे कि अब तक हम देखा गया कि हमें जो है माननीय मुख्यमंत्री और सरकार ने हमेशा निराश किया है, पुनः हमें अगर निराशा मिलती है तो 28 तारीख को हमारी बैठक है, अगर हमारी मांग पर खरा उतरती है तो हम खुले दिल से सरकार का धन्यवाद करेंगे और अगर सरकार हमारी मांग पर खरा नहीं उतरती 28 तारीख को हमारी फिर जो है राज्य स्तरीय बैठक है और उस बैठक में हम आगे का जो हमारा संघर्ष है उसके ऊपर जो है निर्णय लेंगे। और एक हमारी रैली धर्मशाला में प्रस्तावित है जो विधानसभा सत्र जो 10 से 15 के बीच है, उसमें कोई एक तिथि हम 28 तारीख को ही निश्चित कर देंगे और उस तिथि में हमारी एक धर्मशाला की रैली है, जिसके लिए हमने आज यहाँ जिला कुल्लू के सभी कर्मचारियों से अपील की और सभी कर्मचारियों ने ये आश्वासन दिया कि जिला कुल्लू से कम 4 से 5 हज़ार कर्मचारी जो है धर्मशाला पहुँचने वाले हैं। ये एक हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम धर्मशाला में होने वाला है, जिसमें जो है आज तक कर्मचारी इतिहास में एक स्थान पर सबसे ज़्यादा कर्मचारी एकत्रित होने वाले हैं और सरकार को उसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली है और पुरानी पेंशन बहाली के लिए ही हम लगातार प्रयास करते हैं। उसका नाम हमने वादा याद दिलाओ इसलिए रखा है क्योंकि 3 वर्ष पूर्व 14 दिसंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी वहाँ 3 वर्ष पूर्व रैली थी और उस रैली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच आए थे। पहले तो आने से वो नानुकर कर रहे थे, लेकिन जब हमारे कर्मचारियों ने मन बनाया कि चाहे जो मर्जी हो जब मर्जी आए लेकिन हम इंतज़ार यहीं करेंगे, और रात के जब 9 बज गए तो रात के 9 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारे बीच आना पड़ा था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को वहाँ पर ये कर्मचारियों के बीच आकर कहना पड़ा था कि जो मैनिफेस्टो के अनुसार उन्होंने जो वायदे किए हैं उन वादों को पूरा करेंगे और एक 2009 की केंद्र सरकार की अधिसूचना जिसमें मृत्यु और अपंगता पर पुरानी पेंशन बहाली का जो प्रावधान है उसको भी बहाल करेंगे, और इस अधिसूचना के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार बहाना बना रहे हैं। और पहले बहाना था इनका पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो है लागू नहीं की थी, अब पंजाब गवर्नमेंट ने भी लागू की है, अब तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये अधिसूचना जल्द से जल्द लागू करनी चाहिए, तो इस तरह का जो ये हमारा कार्यक्रम है वो रहने वाला है। और ये हम आप सबके माध्यम से भी कह देना चाहते हैं और आप सबका धन्यवाद भी करते हैं कि आप सब हमें लगातार कवर कर रहे हैं कि ये जो वादा दिलाओ याद रैली है ये हम जो है सरकार को ज़रूर ये याद दिलाएंगे कि अगर आपने जो वादे किए हैं उस पे अब आपको खरा उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो अब जो है किसी की खैर नहीं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।